नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भगवान विष्णु का सर क्यों काटना पड़ा और क्यों उन्हें घोड़े का सर धारण करना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु बैकुंठ धाम में एक धनुष की डोरी के सहारे काफी गहरी नींद में सो गए थे। उसी समय स्वर्ग लोक में हयग्रीव नामक दैत्य ने अपनी सेना सहित खूब आतंक मचा रखा था। देवताओं के उससे लड़ने के सभी प्रयास विफल साबित हो रहे थे। तभी सब अपनी समस्याएं लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने को कहा। इस पर सभी वैकुंठ लोक पहुंचे। वहां देखा कि नारायण तो गहरे निद्रा में लीन है। सभी परेशान होकर फिर से ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि श्री हरि तो निद्रा में लीन है। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु को जगाने के लिए वर्मी नामक कीड़े को भेजा। उस कीड़े ने जाकर धनुष की डोर को काट दिया, जिसके सहारे नारायण सो रहे थे। कीड़े के डोर काटते ही उसी डोर से भगवान विष्णु का शीश कट गया। भगवान विष्णु का शीश कटते ही समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा सा छा गया। देवता परेशान हो गए कि क्या हो गया, अब क्या होगा। तभी ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को देवी भगवती की स्तुति करने के लिए कहा। आराधना से माँ भगवती प्रसन्न हुई और देवताओं को दर्शन देकर बताया कि यह सब कुछ दैत्य हयग्रीव के वध निमित्त हुआ है। उन्होंने बताया कि अश्वमुखी हयग्रीव ने तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया है कि उसे कोई अश्वमुखी मनुष्य ही मार सकता है। इसलिए श्री हरि विष्णु का यह रूप लेना ही था। इसके बाद नारायण को घोड़े का सिर लगाया गया और उन्होंने दैत्य हयग्रीव का संहार किया। इसके बाद देवताओं को स्वर्ग लोक प्राप्त हो गया। धन्यवाद।